हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और स्वाति धवन फूड एंड डेकोर में मैं कर रही हूँ आपका स्वागत। बच्चों की डिमांड कुछ ना कुछ तो चलती ही रहती है, तो अभी मेरे बच्चों ने कुछ स्पेशल चीज़ डिमांड की है, तो स्पेशल में मेरे पास जो अवेलेबल था मैं अभी करने जा रही हूँ। बर्गर बन अवेलेबल है मेरे पास, बर्गर नहीं बना रही हूँ लेकिन बर्गर पिज़्ज़ा बना रही हैं मिल करके, तो चलिए साथ में बनाते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने उन सभी चीज़ों को जो यूजुअली हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। आप किसी भी चीज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग। तो चलिए बन पर अब हम काम करते हैं। तो इसकी ऊपर की लेयर को तो हम निकाल लेते हैं। वैसे तो आप चाहें तो उसको दोबारा से जो है इसको कवर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग तो इसको चाय के साथ यूज़ कर लेंगे, तो मैं अभी इसको अलग कर देती हूँ सभी को, और इसके अंदर से जो है होल कर लूँगी, और इसके अंदर हम फिर स्टफिंग डाल देंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इन तीनों के अंदर से जो है इसको होल करके खाली कर लेते हैं। आपके ऊपर है, आप इसको चाहे तो जितना मर्जी थिक रख सकते हैं। अगर आपको ब्रेड का टेस्ट ज़्यादा चाहिए, ब्रेड का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, तो आप इसको थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, तो हमारी चॉइस के ऊपर रहता है ये। तो यहाँ मैं अभी दे रही हूँ मेयोनीज की एक लेयर। और उसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस की लेयर डाल देंगे, और फिर उसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं पिज़्ज़ा सॉस की लेयर को। तो बहुत ही ज़्यादा ये हमारे बन करके टेस्टी बन करके रेडी होंगे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे जब कभी कभी छोटी छोटी डिमांड्स रखते हैं और अवेलेबल नहीं हो पाता बाहर से मंगवाना, तो हम इसको बहुत ईजिली जो है घर पर बना सकते हैं। चलिए हमारी जितनी भी सॉस है उसको पहले अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं, और मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी थोड़े से मोज़रेला चीज़ से, ताकि लास्ट बाइट तक हमें चीज़ी फ्लेवर आए इसमें, और पूरा चीज़ी टेस्ट इसमें जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप इसके ऊपर अपनी चॉइस की सब्जियां जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अनियन ज़्यादा करना है, कैप्सिकम ज़्यादा करना है, जो भी आपकी चॉइस के ऊपर है आप इसको डाल सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो अपनी चॉइस की वेजेस डालने के बाद आप इस पर फिर से थोड़ा सा जो है चीज़ दे दीजिए, ताकि इससे इसमें जो है चीज़ी फ्लेवर बहुत अच्छे से आए, और लास्ट में थोड़ा सा सॉस भी आप ऊपर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं भी यहाँ पर फिर से चीज़ दे करके थोड़े से सॉस और मेयोनीज दोनों चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, और वापस से डाल देते हैं थोड़ी सी मेयोनीज एंड सम पिज़्ज़ा सॉस, और लास्ट में मैंने यहाँ पर दे दिया है थोड़ा सा सॉस, और हमारी सॉस भी यहाँ पर फिनिश हो गई है। तो चलिए इसको अब रख देते हैं बेकिंग के लिए, और मैं इसको अब शिफ्ट कर रही हूँ बेकिंग ट्रे पर, और मैं इसको 200 डिग्री पर जो है थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। से 10 मिनट्स तो ये लेगा ही लेगा, तो आप इसको 10 मिनट्स के लिए बेक कीजिए और देखिए कितना बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए जो है बेक करेंगे। मेरी ओटीजी की शक्ल पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत रिग्रेस बेकिंग करती हूँ, तो इसीलिए ये इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए अब हम वेट करते हैं 10 मिनट्स के लिए। 250 डिग्री पर आप इसको बेक कर सकते हैं आराम से। तो चलिए दोस्तों, हमारा बन पिज़्ज़ा तो यहाँ पर रेडी हो गया है, तो उसको लगा लेते हैं प्लेट में। और मैंने उसको 10 मिनट के लिए बेक किया था, और हमारा बढ़िया सा जो बन पिज़्ज़ा है यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है। आप भी बनाइएगा, जब भी बच्चों के दोस्त आते हैं या आपके घर में कोई पार्टी है तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो आपके घर में किटी पार्टी हो, या बच्चों के फ्रेंड आ रहे हों, या आपके गेस्ट आ रहे हों, या कुछ भी बच्चों का स्नैक्स खाने का मन हो, तो आप ये बन पिज़्ज़ा बना करके खिलाइए, और बहुत टेस्टी और बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सी डिश जो है हमारी जल्दी से बन करके रेडी हो जाती है। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो मुझे दीजिएगा एक सब्सक्राइब और लाइक, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जहाँ मैंने आपके लिए जो है शेयर की हैं बहुत सारी रेसिपीज़ जो बच्चों के लिए और आपके खुद के लिए जो है काम आ सकती हैं। और मुझे इस तरह से जो है फॉलो करते रहिए। लास्ट में हम इसके ऊपर लगा देते हैं थोड़ी सी सीजनिंग, ताकि हमारे पिज़्ज़ा का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाए। सीजनिंग से हम इसको अच्छे से फुली फ्लेवर दे देते हैं।
एंड फाइनली हेयर वी गो। तो कैसा लग रहा है आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग स्वाति धवन फूड एंड डेकोर।